जिले में आज वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाने कटवाने को लेकर दो नेताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि नगर निगम वार्ड क्रमांक 18 में दावा आपत्ति निरीक्षण करने प्रशासनिक अमले के लोग पहुंचे थे, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं छटवाने को लेकर वार्ड के मतदाताओं के आवासों में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के नेता की मनमानी से जोड़े गए नाम को कटाने की बात पर कांग्रेसी नेता अखिलेश सिंह बीजेपी मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे से विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह एवं भाजपा नेता देवेश पांडे के बीच मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्ष जयंत चौकी में एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराया। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भी चौकी पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की विवेचना में जुटी हुई है। विंध्यनगर TI राघवेंद्र द्विवेदी का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है। दोनों पक्षों की शिकायत पर मेडिकल कराकर मामला पंजीबद्ध किया गया है। जांच दल SDM साहब ने गठित किया था, वह जांच दल कल भी आया था। कल गोलाई के बस्तियों में जा कर के लगभग 150 नाम उन्होंने काटने का काम किया है, मैंने छांट करके जो वहां नहीं रहते हैं उनका नाम ना रहे, इसके लिए दावा आपत्ति लोगों के द्वारा किया गया था। आज उसी क्रम में हम लोगों ने भी आपत्तियां लगाई थी। आज B-Type 6868 में वेंकटेश्वर राव रहते हैं, वह स्वयं उन्होंने आपत्ति अपनी लगाई थी कि हमारे मकान में मैं रहता हूँ, इससे पहले जो रहते हैं उनका नाम है, वो नाम कट जाना चाहिए। वो ये कहने लगे कि ये नाम नहीं कटेगा, चूँकि मेरे कार्यकर्ता का ये क्वार्टर है, देवेंद्र सिंह चौहान शायद नाम है उसका, कि वहाँ पर वह हमारा कार्यकर्ता है, मेरे पार्टी का आदमी है, इसका नाम नहीं कटेगा। इसका वो विरोध करने लगे, जबकि वो उसमें नहीं रह रहे हैं, नहीं रहते, वो विरोध करने लगे कि इनका नाम रहेगा। उसी में वो उनके अपने भाई को कुछ देर पहले ही अपने भाई को फोन करके भी, कौन अपने भाई को बुलाया? अखिलेश सिंह अपने भाई को आधे घंटे पहले फोन करके बुलाया कि 10-20 लोगों को लेके आओ, आज जांच सही हम करवा देते हैं, उनका कल नाम कटवाए हैं, आज उन लोगों का ठीक करते हैं। वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से लड़ाई झगड़ा होने लगा, बीच बचाव मैं करने गया, मेरे से भी मारपीट वो लोग किए। इस तरह की घटना घोर निंदनीय है कि एक राजनीतिक दल, हम उनके ऊपर पर्टिकुलर कहते हैं कि अखिलेश सिंह के द्वारा आदतन उनके भाई के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है उनका। यह सर किस तरह की शिकायत आपके पास आई? लाल सेक्टर भी दिग्गी चुआ ने अपने पटवारी और अराई वहाँ पर मौके पर जाकर के जो मतदाता सूची में नाम लिखे हैं उसका वेरिफिकेशन कर रहे थे। इसी दरमियान एक मतदाता सूची के नाम को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में बात, एक अखिलेश सिंह थे एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में प्रतीक अग्निहोत्री था, उसके साथी और लोग थे। उस मतदाता के लेकर के जब वाद विवाद शुरू हुआ और इसी बीच में इसे आपस में मारपीट हुई, दोनों पक्ष ने अपनी शिकायत किया है, उसकी इंक्वायरी हो दोनों पक्षों का मृत्यु भी करा दिया। उस फार्म कहा गया था उस फार्म में कि इनका नाम काट दिया जाए, वार्ड में नहीं रहते। हमने सिर्फ इतना दावा किया कि ये इसी वार्ड में रहता है और अभी मौके पे अपने घर में पूरा परिवार है और ये नाम नहीं काटा जा सकता, तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं रहते हैं, कट जाएगा। हमने सिर्फ दबाव बनाया कि नहीं ये रहते हैं और इनका नाम नहीं काटा जा सकता। हमने दिव्यन को बुलवाया भी, वो तब तक पहुँचा, जैसे ही पहुँचता है तो पीछे से ये लोग जो है हमला कर दिए और मैं गिर गया और मारपीट चालू कर दी। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर की राजनीति करेगी ये हम कभी सोचे नहीं थे, राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा ये मेरे समझ से बाहर की बात थी। और इसीलिए मैं कोई प्लान करके गया नहीं, किसी को बुलाया नहीं, मैं तो एक साधारण तरीके से पहुंच गया। ये आपको चोट घटने के समय आई है? हाँ, उसमें जो इनने डंडे से मारा तो हाथ पे फ्रैक्चर हो गया, पुलिस कंप्लेंट हुई, वहाँ से लोग उठा के ले गए मुझे, पुलिस ने के साथ मैं आया यहाँ ट्रामा सेंटर में, जो है ये सब इलाज हुआ।